भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में, सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन, बल्कि यहां कमल खिलाना इसलिए जरूरी है ताकि पश्चिम बंगाल की स्थिति में वो आसोल परिवर्तन आ सके, जिसकी उम्मीद में आज हमारा नौजवान जी रहा है। ये हुगली अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि बीते दशकों की अव्यवस्था ने पश्चिम बंगाल को किस हाल में पहुंचा दिया है। हुगली जिला तो भारत में उद्योगों का एक प्रकार से हब था। हुगली के दोनों किनारों पर जूट इंडस्ट्री थी, आयरन और स्टील मशीनों के बड़े बड़े कारखाने थे, बड़े पैमाने पर यहां से निर्यात होता था। लेकिन अब आज हुगली की क्या स्थिति है ये आप भली भांति जानते हैं। एक समय था जब पूर्वी भारत के अनेक लोकगीतों में घर घर में माताएं बहनें किसी भी शुभ अवसर पर जो गीत गाती थी, जो लोकगीत गाए थे, उसमें गाया जाता था कि घर के लोग कमाने के लिए कलकत्ता गए हैं। उस समय शब्द प्रयोग करते थे कलकत्ता गए हैं। इन गीतों में ये उम्मीद लगाई जाती थी कि कलकत्ता से आते समय अपना परिवार का व्यक्ति जब घर लौटेगा तो वो घर के लिए कलकत्ता से क्या क्या लाएगा, कौन कौन से उपहार लाएगा, कौन से जो चीजें कलकत्ता में नहीं बनी है वो अब हमारे गांव हमारे घर में आएगी। ऐसे गीत बंगाल के बाहर उड़ीसा हो, बिहार हो, आंध्र तेलंगाना तक, इधर आसाम नॉर्थ ईस्ट, लोग घर में गाते थे। ये कलकत्ता की कीर्ति थी उस जमाने में। अब ये सब बदल गया। अब इस औद्योगिक शहर के निवासियों को, बंगाल में बहुत से निवासियों को काम करने के लिए दूसरों के यहां, दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। इस स्थिति को बदलने का काम बंगाल में बनने वाली और जो सरकार बनाना आपने ठान लिया है, जो सरकार बनाना आपने तय कर लिया है, वो भाजपा सरकार बनते ही उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाएगी। भाजपा सरकार औद्योगिक विकास की नीतियों में बदलाव करेगी, तेजी से निर्णय लिए जाएंगे, इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा।